हरदोई की रैली से पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा 2008 धमाकों में हुई थी मुझे जान से मारने की साजिश। फांसी की सजा पाए आतंकी के साथ है समाजवादी पार्टी। कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी के आतंकी से संबंधों पर साधा निशाना। न्यूज 18 से कहा आतंकी के परिवार पर समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उत्तर प्रदेश से जो आतंकवादी हैं उनमें से एक का संबंध, उनके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पीएम मोदी ने राम की मूर्ति देने वाले बीजेपी जिला अध्यक्ष के पैर छूकर जताया आभार। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा एक कार्यकर्ता के पैर सिर्फ मोदी जी ही छू सकते हैं। यूपी में अगले चरण के चुनाव प्रचार में तेजी। सीएम योगी हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में करेंगे रैली, तो अमित शाह पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी और वाराणसी में करेंगे प्रचार। बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से की मुलाकात। चारा घोटाला के एक और मामले में सीबीआई कोर्ट करेगी सजा का ऐलान। चारा घोटाले में दोषी हैं लालू यादव। डोरंडा कोषागार से करीब 140 करोड़ की अवैध निकासी का है मामला। विशाखापट्टनम में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नौसेना की ताकत का लेंगे जायजा। फ्लीट रिव्यू में स्वदेशी जंगी जहाजों और पनडुब्बियों के जरिए दिखेगी नौसेना में आत्मनिर्भर भारत की ताकत। वनडे के बाद भारत ने T20 में भी किया वेस्टइंडीज का सफाया। तीसरे T20 में 17 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिकों के परिवार वालों को स्वदेश लौटने के दिए निर्देश। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और पुतिन में हुई सैनिकों की कटौती पर बात।